हेलो दोस्तों, तो आज हम बनाने वाले देसी देसी आलू का पराठा। तो पहले तो हमने कटोरी लेकर उसमें 4 चम्मच का तेल डाल दिया है और अभी हम डालेंगे छोटे छोटे कटे हुए प्याज और जीरा भी हमने डाल लिया है। और हमने डाल लिया है प्याज भी और अभी हम इसे अच्छे से फ्राई कर देंगे। और ये हमारा प्याज फ्राई हो चुका है और अभी हम डालेंगे टमाटो और मिर्ची का छोटा छोटा टुकड़ा। और अभी हम डाल लिए टर्मरिक और थोड़ा सा सॉल्ट और गरम मसाला, धनिया पाउडर, मसाला पाउडर और अभी हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये मिक्स हो चुका है और अभी हम डालेंगे स्मैश्ड पोटैटोस जो कि हमने पहले से ही करके रखा था। और ये हमने डाल लिया और अभी इसे अच्छे से मिक्स करके रख देंगे। और अभी हमने ले लिया है आटा और ये हमने ले लिया आटा और इसे अच्छे से गूंद कर 20 मिनट्स के लिए रख देंगे। और एक पॉट करके उसके अंदर उस आलू को डाल के हल्के हाथों से हमने बेलना शुरू कर दिया। अगर हम जोर से प्रेस करके अगर हम करेंगे बेलन तो एक पॉइंट में वो फट जाएगा तो अंदर का स्टफिंग सब कुछ बाहर आ जाएगा। और अभी हम एक पैन लेके गरम पैन लेकर इसे हम नॉर्मल रोटी की तरह सेक कर तैयार कर देंगे और आपका आलू पराठा तैयार हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।